नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है वीडियो में। आज के मेरे 5 शेयर्स हैं जो आपको दिखाता हूं। देखिए पार्ट सेम ही रहेगा वीडियो, आपको अगर चाहिए तो जैसे मैंने बोला है कि आपको हमेशा दो पार्ट में रहेगा शेयर मार्केट से। ये 5 शेयर 300 डेज में, जिसमें आपको मिनिमम 10% के हम लोग बोल सकते हैं कि आप कमा सकते हो विद इन 300 डेज में, बट एट द एंड ऑफ द ईयर नॉर्मली अगर आप प्रोसेस से चलते हो तो 20% तक बन जाता है। ये केवल फाइनेंशियल एडवाइस है, इसमें कहीं भी हमारी पूरी जिम्मेदारी नहीं रहती। पैसा आपका है, रिस्क आपका है। अगर आप इसे ग्रो करोगे तो हमें खुशी मिलेगी, अगर आप ग्रो नहीं, अगर कुछ लॉस होता है तो वो आपका। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब आप कोई भी पैसा आप किसी भी चीज़ों में, शेयर मार्केट हो या क्रिप्टो हो या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इन्वेस्टमेंट हो, आप उसमें वही पैसा डालिए जो आपको अगले 12 महीने तक नहीं चाहिए। वही पैसा डालिए, अगर आप वो करते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो अभी चलो चलते हैं आज के 5 शेयर्स में जिसको हमने इस बार किया है। मैं इनको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ वीडियो को। करेक्ट, यस। मेरे 5 जो शेयर हैं जो आज मैं रिकमेंड कर रहा हूं, उसमें टाटा पावर, मतलब ये 6 यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन एक अभी रिलायंस को मैंने बाई के लिए लिया है, लेकिन रिलायंस अभी तक बाई नहीं हो पाया है। मैंने रिलायंस है, रिलायंस आप ध्यान रख लीजिएगा कि आप रिलायंस ले लीजिए, और एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, SC ये और टाटा पावर, आपके ये 4 शेयर तो फिक्स हैं, प्लस इसके साथ आप रिलायंस ले लीजिए। नेस्ले इंडिया मैंने लिया है क्योंकि मैंने एक रूल भी बनाया कि अगर मैं किसी भी कंपनी का मुझे डिविडेंड आता है तो मैं उस कंपनी का 1 शेयर ले लूँगा वापस फिर से, भले वो मेरे पास कितने हो, बट 1 शेयर मैं ले लूँगा। तो ये एक रूल है जिसमें मैं करूँगा। और पेनी स्टॉक का भी आपको आज मैं पेनी स्टॉक का नहीं बताऊँगा, पेनी की स्टॉक मैं लूँगा एक, लेकिन मैं आज उसको इसमें नहीं डालने वाला हूँ फिलहाल, क्योंकि मैंने उतनी R&D नहीं की है, तो मैं उतना फिलहाल अभी पेनी स्टॉक नहीं डालूंगा। जैसे मैंने बोला था ना, पेनी स्टॉक वो एक मैं सजेस्ट करता हूँ जो 1000 का आप ले लो और उसको 200 बनने दो, फिर 2000 बनने दो, फिर उसके बाद बेचो, वरना वो डूब भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़े। तो 1000 का रिस्क पर डे जब भी हम लेंगे, लेकिन आज मैंने वो नहीं लिया है। तो यहाँ पे यही है, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस जो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, SGF फंडलर है एंड टाटा पावर्स है। और ये क्वांटिटी मेरी ये सजेशन है कि 4-5 ये क्वांटिटी आप ले लीजिए। इनकी जो क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डाली है उससे ज्यादा आप ले सकते हो, अगर आपकी कैपेबिलिटी तो आप ले सकते हो, बट मैंने यही बोलता हूँ कि ये मैं वापस भी ऐड करता रहता हूँ। तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट टाइम जब वो नेगेटिव जाएंगे या जब होगा तो आप उसमें और ऐड करके उसका अच्छा वैल्यू निकाल सको, तो इसलिए आपको ये रख लेना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं इसके आज किस पे बात करें, टाटा पावर पे किस पे बात करनी है आप बताइए। अगर आप देखेंगे तो मैं ये 5 शेयर हैं, तो आज चलिए इस पे बात कर लेते हैं। क्या है ये भाई साहब, फंडामेंटल्स, करेक्ट। थोड़ा आज नेटवर्क का इश्यू है और इंडिया में तो हर जगह गर्मी बढ़ रही है। चलो अब यहाँ पे आप देखिए इसका चार्ट, तो हाई क्या है 2288 एंड 210, ये है रिटर्न 1 डे का -4.71%। तो अगर आज आप पैसा डालते हो और कल मार्केट बढ़ता है तो आप ऑटोमेटिकली इसमें प्रॉफिट में हो। अब इंटरेस्ट इनसफिशियंट डेटा है जिसमें इनको कुछ भी नहीं पता है, बट ROI या FD में इसको पॉजिटिव दिया, डिविडेंड रिटर्न ये ज़्यादा नहीं है इसके बारे में, एंट्री पॉइंट गुड है, नो रेड फ्लैग, सो पॉजिटिव है मार्केट इनके बारे में। अब मैं इसका 5 साल का, जैसे मैं बोला ना, अब देखिए 1 वीक का आप देखोगे -2%, मंथ का 13%, विद इन अ मंथ इसने 13% रिटर्न दिया है। अब 1 ईयर, नो वन वॉन्ट टू से अबाउट इट, 130% 1 साल में। अब मैं 5 साल का जाता हूँ, 146, यानी पिछले 1 साल में इसने जितना रिटर्न दिया है उतना इसने पिछले 5 साल में ऑन एवरेज उतना ही रिटर्न दिया है। तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, मैक्सिमम देख लेते हैं फिर भी। सो आप समझ गए कि क्या है, यानी 2000 से लेके और अभी तक, यानी इसने पिछले 22 सालों में आपकी प्रॉपर्टी को 14 गुना कर दिया होता, करेक्ट। तो 14 गुना नहीं यार, 145%, 14,585% रिटर्न आया था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे, 7 रुपये का स्टॉक आया था 6 रुपीज का। इसका जो बढ़ने की जर्नी शुरू हुई है 3rd मई 2006 से शुरू हुई है, और जो सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज बढ़ा है ये 13 में बढ़ा है, और उसके बाद इसने कभी मुड़ के नहीं देखा। बस ये जो आया है ये तो आपको सबको पता है कि 2020 का है, बट ये पूरा करता गया है। तो अभी हम इसके में पूरा नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देखिए फोरकास्ट है, 83% लोग इसको बोल रहे हैं, और मेरी भी प्रायोरिटी यही है। मैं तो ऑलरेडी बाई कर चुका हूँ, आपको वही दिखाया कि बाई तो कर ही चुका हूँ, तो मुझे
बताना नहीं है क्या है। और इसका इसके पीस में देखेंगे मदर सुमी वन ऑफ द गुड वन, बॉश सोना बियलुलु माइंड, इन सब से मुझे लेना देना नहीं है। बट फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो हमेशा ये प्रॉफिट में ही रहा है, प्रॉफिट बढ़ा है इसका। यहाँ पे इसका प्रॉफिट 1920 में घटा था, बट अगर आप देखेंगे तो 21 में फिर से प्रॉफिट बढ़ गया है। ठीक है, टोटल प्रमोटर होल्डिंग्स ये सब आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, बाकी आपके ऊपर है। बट यही है कि ये है फोरकास्ट, तो आपको पहले ही बता चुका हूँ 83% फाइनेंशियल आपके ऊपर है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फाइनेंशियल देखना, आप इसको देखें। और मैं इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। होल्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट, जब मैं बोलता हूँ अगर आप एक बेसिक हैं तो आप देखिए, हम लोग हर चीज़ों के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो आपको ये भी दिख जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है। अब टोटल प्रमोटर होल्डिंग देखिए, यानी ये लोग इतना कॉन्फिडेंट है कि इन्होंने अपने ही कंपनी का 74% स्टॉक लेकर रखा हुआ है, जिसमें फॉरन 5.3% ही दिया इन्होंने, बाकियों को 1.59 दिया है, 5.59 13.6 म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्होंने दिया हुआ है। तो रिटेल इन्वेस्टर 5.59 है, जो कि बहुत ही कम है। एक्चुअली इस कंपनी ने कभी एडवर्टीजमेंट या सामने आई भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन आपने रिटर्न इसका देख लिया है कि ये क्या रिटर्न दे रही है, जिसमें अभी भी बहुत स्कोप है। इतना बुरा नहीं, मैं इसके प्रोडक्ट के बारे में आप और जानिए, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है। आप इसमें कमेंट करके मुझे बताइए कि ये किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है और उसका फ्यूचर क्या है, तो आपको काफ़ी आंसर वहीं पर मिल जाएंगे कि ये क्यों इतना ग्रो कर रही है कंपनी, और इसके प्रमोटर्स जो हैं वो भी कहाँ कहाँ लिंक हैं, किस किस और कंपनीज में डायरेक्टर हैं, प्रमोटर हैं, या वो और क्या चीज़ें करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो भी जरूर अगर आप बता सकते हो तो एक लाइन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी आज मैं इसी के ऊपर जाऊँगा, और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वो मुझे भी मोटिवेट देता है, और आप जैसा कमेंट बोलेंगे मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आज 5 शेयर 300 डेज, जिसमें हम लोग मिनिमम 10% की गारंटी देते हैं, आपके ऊपर है, आप चाहें तो फॉलो कर लीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच, आप सबका दिन शुभ हो।